जय हिंद प्यारे मित्र, फाइनली आपके लिए एक और भर्ती लेकर आ चुके हैं जो कि CAPF की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर असिस्टेंट का पोस्ट निकल के सामने रहा है। SI जो सब असिस्टेंट है उनका पोस्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पर बात कर जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट आपका CAPF में अवेलेबल है। यहाँ पर बात कर ली जाए तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। यहाँ पर बात कर जाए तो आपका CSF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भी है। और साथ में बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात कर जाए तो आपकी जो यहाँ पर बात कर जाए तो पोस्ट आप कितना पोस्ट यहाँ पर दिए गए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप BSF की कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर BSF की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 78 पोस्ट BSF की निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, BSF की टोटल पोस्ट की बात कर जाए तो 78 पोस्ट यहाँ पर है। यहाँ पर अब सेकंड में हम बात करते हैं CRPF की। तो यहाँ पर CRPF की टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो CRPF में यहाँ पर पोस्ट आपको 13 पोस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट और बात कर लेते हैं CSF में आपको कितना पोस्ट देखने को मिल रहा है। तो CSF में यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 69 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, 69 पोस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात की जाए तो ITBP, तो ITBP में यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ITBP में आपको यहाँ पर 27 पोस्ट देखने को मिलेगा। अब SSB की बात कर जाए तो SSB में आपको यहाँ पर 22 पोस्ट, ITBP के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर 27 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं SSB की। तो SSB में हम टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर जाते हैं, यहाँ पर आपको 22 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब बात कर जाए तो टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है, तो ऑल इंडिया का बेस में है। यहाँ पर बात कर जाए तो आपका जो टोटल पोस्ट है वो 209 पोस्ट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, टोटल पोस्ट आपकी 209 पोस्ट है। अब बात कर जाए आगे देखते हैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या मांगा गया है यहाँ पर, और बहुत कुछ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार सेंटर देख लीजिएगा कौन कौन से सेंटर दिए गए हैं। यहाँ पर खासकर MP और CGE वालों के लिए बता दूँ कि यहाँ पर रायपुर से आपका सेंटर रहने वाला है, और CGE वाले के लिए यहाँ पर भोपाल, MP वालों के लिए यहाँ पर भोपाल के आसपास होने वाली है। और यहाँ पर अलग अलग दिए गए चंडीगढ़, यहाँ पर देख सकते हैं आप अलग अलग राज्य पर बात कर ली जाए तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर हर राज्य की अपनी अपनी सेंटर दी हुई है। यहाँ पर बात कर ली जाए तो आपको ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, कोई टेंशन नहीं है। और देखते हैं यहाँ पर और आगे क्या दिया गया है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर आपकी नेशनलिटी की बात कर जाए जो कि भारतीय मतलब इंडियन ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोगों को यहाँ पर कोई अलाउ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन यहाँ पर आपकी नेशनलिटी होनी चाहिए। और बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपका जो कौन कौन से कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं, तो यहाँ पर फीमेल एंड मेल दोनों कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसजेंडर भाग नहीं ले सकते। यहाँ पर आप एज की बात कर ली जाए तो एज क्या दिया गया देखते हैं, एज लिमिटेशन यहाँ पर अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर एज की बात कर ली जाए तो आपको जो नॉर्मल है मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के उनके लिए मैं बता दूँ, एज आपको 20 से 25 ईयर्स मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ST और SC के अलग से छूट देखने को हमको मिल जाएगा। प्लस आपको बात कर ली जाए तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को भी छूट देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात कर ली जाए तो अलग अलग जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको छूट देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ST के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आराम से आप रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और SC के लिए भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ST के लिए मैक्सिमम 5 ईयर यहाँ पर दिया गया है, और अलग अलग सर्विसमैन वगैरह सब के लिए यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। आप अच्छे से एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। अब बात कर जाए तो और यहाँ पर क्या देखने लायक है दोस्तों, तो देखते हैं और क्या दिया गया है। जो मेन बात हम बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर NCC वालों के लिए एक मानसिक दुखद खबर है समझा एक प्रकार से, कि आपको कोई भी यहाँ पर छूट देखने को नहीं मिलेगी, मात्र आपको थोड़ी बहुत क्लियरेंस उसमें मिलेगी। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा छूट देख रहे हो। यहाँ पर दिया गया कि गिवन कंसिडरेशन एट द इंटरव्यू टाइम एंड पर्सनैलिटी टेस्ट ओनली, मतलब आपका क्वालिफिकेशन NCC हो चाहे C वाले सर्टिफिकेट वाले, उनको कोई यानी परसेंट नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर जाए तो परसेंट में यहाँ पर कोई भी छूट देखने को नहीं मिलेगी। और बात कर लेते हैं यहाँ पर और क्या दिया गया देखते हैं आगे।
यहाँ पर फीस तो फीस के लिए यहाँ पर दिया गया है कि देख सकते हैं फीमेल मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीमेल एसटी और एससी के लिए यहाँ पर 200 रुपया आपका जो चार्ज है वो लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट इस 15 फीमेल एससी एंड एसटी कैंडिडेट हु आर एक्सपेंडेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस इन रिक्वायर्ड पे इन 200 रुपीस। यहाँ पर जनरल का कहाँ दिया गया है, यहाँ पर जनरल का तो नहीं दिख रहा है दोस्तों। और बात कर ली जाए तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका जो जो ऑनलाइन मोड है वहाँ से पेमेंट करने का तो 6/9/2020 दिया गया है नेक्स्ट मंथ में सितंबर में। अब हाउ टू अप्लाई तो आपको www.upscionline.nic.in पर जाके अपना वेबसाइट मतलब वेबसाइट में जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर जाए तो फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर ली जाए तो और क्या दिया गया देखते हैं, मोटा मोटी मेन पॉइंट बताऊँ दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाके अच्छे से देख लेना। अब बात कर ली जाए तो सबमिट डेट स्टार्टिंग डेट की बात कर ली जाए तो आपको देखो यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया कि 7 सितंबर यहाँ पर आपकी लास्ट डेट होने वाली है। और यहाँ पर और कुछ खास नहीं है दोस्तों ये। और स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट हम बता देते हैं एक बार आपको, 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। 18 अगस्त से आपकी जो ऑनलाइन जो डेट है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर और क्या देखने लायक और क्या है देखते हैं, फिजिकल टेस्ट देख लेते हैं एक बार आपका कैसे होने वाला है फिजिकल एब्सेंटी टेस्ट। तो मेल कैंडिडेट के बारे में बात कर ली जाए तो 100 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है। आपका जो कितने सेकंड है 16 सेकंड में आपको दिया जाएगा। अब महिलाओं के लिए यहाँ पर वही 18 सेकंड है। यहाँ पर 800 मीटर दौड़ की बात कर जाए तो 3:45 आपको मेल कैंडिडेट को देखने को मिलेगा और फीमेल के लिए यहाँ पर 4:45 मतलब 1 मिनट का गेप है। यहाँ पर बात करें तो लॉन्ग जंप में आपको 3.5 मीटर देखने को मिलेगा पुरुष के लिए, यहाँ पर महिलाओं की बात कर जाए तो 3 मीटर। यहाँ पर बात कर जाए तो अब शॉर्ट पुट में यहाँ पर बात कर जाए तो 4.5 मीटर आपको मेल कैंडिडेट को दिया जाएगा। और यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर आपको महिलाओं के लिए यहाँ पर शॉर्ट पुट यहाँ पर दिया गया कि आपका नहीं होगा शॉर्ट पुट, ठीक है महिलाओं का, ठीक है। अब बात कर जाए तो और क्या दिया गया है देख सकते हैं आप। अब प्रज्ञा यहाँ पर एक मेन पॉइंट ऑफ बात कर जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रेगनेंसी के वक्त अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट अगर जाती है, ठीक है, फिजिकल तो उसको तुरंत मतलब उससे पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेग्नेंट महिला है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्योंकि उसके लाइफ के साथ कोई भी खिलवाड़ यहाँ पर रिस्क हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आपको रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। सब पहले तो आपका पेपर होगा, फिर जो फिजिकल है वो होगा, फिर आपका इंटरव्यू होने वाला पर्सनालिटी टेस्ट जो भी है उसका अलग से मार्क्स रहेगा। यहाँ दे सकते हो आप 150 का मार्क्स रहेगा मतलब 150 मार्क्स। यहाँ पर उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेडिकल भी आपके होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। और बात कर जाए तो फाइनल सिलेक्शन आपका मेल लिस्ट के बाद जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं आप, ठीक है, अच्छे से आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को मतलब रोक रोक के भी आप देख सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पर आपको दिया गया है कैसे फॉर्म। यहाँ पर एक बार लास्ट में देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका जो एज के हिसाब से हाइट रहना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपका हाइट एज के अनुसार कैसे होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर जाए तो देख लेते हैं एक बार मेल कैंडिडेट के यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जो 18 से 22 वर्ष के आते हैं, 23 से 27 वर्ष आते हैं, 28 से 32 वर्ष के बीच आते हैं, जो 33 से 37 वर्ष के बीच आते हैं, उसका वेट क्या होना चाहिए हाइट के अनुसार वो आने दिया गया है। यहाँ पर देख लेना अच्छे से एक बार, ठीक है, कोई डर नहीं है। फीमेल का है सेम वही प्रोसेस देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ तक अधिकतम यहाँ पर दिया गया 168 आपका सेंटीमीटर हाइट के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर बात कर जाए तो एक बार और आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है वो 18/8/2020 से स्टार्ट हो गया। लास्ट
डेट ऑफ सबमिटेशन एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया 7/9/2020, मतलब अगले मंथ में आपका 7 सितंबर को लास्ट डेट हो जाएगा। दोस्तों बहुत कम टाइम है, आप जल्दी से ऑनलाइन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में कई बार सर्वर डाउन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके एक बार वहाँ जाकर आप एक बार अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा पैसे नहीं लगते दोस्तों, 200 रुपये ही मात्र आप लगेंगे, और जनरल का पता नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप एक बार जाके आप सोलो साइड में जाके एक बार चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई ये भी बता चुका दोस्तों, UPSC की जो ऑप्शन वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बात, अगर कोई भी डाउट हो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई से लेकर या फिर सिलेबस से लेकर या फिर जो भी है फिजिकल से रिलेटेड या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में खाली है दोस्तों, बिल्कुल आप वहाँ जाकर कमेंट कर सकते हैं। और तो कुछ बताने के लायक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी डाउट हो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला हुआ है, आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं।